खबर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से, जहां रायसेन जिले की इंट्रो बैंक में गबन का मामला आया सामने, जिसमें 1,23,500 रुपए की राशि हुई गबन। बैंकों में लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है, जिसमें एक ऐसा ही मामला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सामने आया है। इस बैंक द्वारा खाते से स्टेट बैंक ऑफ मुंबई दूसरा आधार लिंक कर निकाली गई राशि, वहीं उदयपुरा थाना में पुलिस को दिया गया आवेदन, साथ ही साथ तहसीलदार को राज्यपाल व मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में 10,000 शिक्षकों ने स्टेट बैंक से खाता बंद करने की बात कही। देखिए पूरी खबर IBN 24 न्यूज़ के लिए नितेश मेहरा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश कुमार मेहरा है। जी, किस तरह की वारदात हुई, कौन सी स्कूल में आप पदस्थ हैं और बैंक से किस तरह से आपके पैसे निकाले गए? सर, मैं शासकीय माध्यमिक शाला उड़िया में पदस्थ हूँ और मेरा सैलरी खाता SBI शाखा उदयपुरा में संचालित है और मेरे खाते से 4/8/2019 से 23/8/2019 तक 10,000 रुपये, जो कि 12 बार में 10,000 रुपये और एक बार में 35 रुपये निकाले गए हैं। कुल 1,23,500 रुपये राशि निकाली गई। आपको कब पता चला? सर, मुझे आज ही पता लगा है। आपने? मैंने सर एंट्री कराई बैंक में जाके, तब मुझे पता लगा कि मेरे खाते से पैसे निकले। आपने शिकायत कहाँ कहाँ की है? मैंने सर बैंक में संबंधित जो वहाँ कर्मचारी मिले उनसे मैंने चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि आपके खाते से मुंबई ब्रांच ने पैसे निकाले और उसमें दूसरा आधार फीड करके राशि आहरित की गई है। उसी बैंक ने निकाली जिस बैंक में आपका अकाउंट थी? हाँ सर, उसी मुंबई बैंक का बता रहे हैं वो। तो मुंबई बैंक में SBI ने आधा बैंक SBI बैंक जी। अभी आपने तहसीलदार को ज्ञापन दिया है, शिक्षा मंत्री और राज्यपाल के नाम, क्या मांगे हैं आप? सर, हमारी मांग है कि हमारी राशि वापस हो जाए और ऐसा कोई उचित वो निर्णय लें ताकि किसी भी शिक्षक के साथ ऐसा हादसा ना हो। आपने आवेदन में ये भी लिखा है कि लगभग एक हजार शिक्षक हैं, ये सभी लोग अपना अकाउंट है वो स्टेट बैंक से ट्रांसफर करा के सेंट्रल बैंक में करा। अगर सर ऐसी घटनाएं होती रहीं तो उससे बचने के लिए हम करीब करीब 1,000 कर्मचारी SBI शाखा उदयपुरा से अपने खाते बंद करा के और CBI सेंट्रल बैंक उदयपुरा में खोलेंगे। क्या नाम है आपका? राजन दोदी। आज जो आपने ज्ञापन दिया है, किस बात को लेकर ज्ञापन दिया और किस तरह की आपकी चेतावनी प्रशासन के खिलाफ है? हमने सर ज्ञापन दिया है तहसीलदार महोदय के नाम, राज्यपाल महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को और शिक्षा मंत्री को, और हमारी ये चेतावनी है, हमारे और साथियों के साथ ये घटना घट चुकी है, कई साथियों के पैसे निकल गए हैं स्टेट बैंक उदयपुरा से, और यदि ये घटनाएं बंद नहीं होती तो हम सारे साथी लगभग 1,000 जो कर्मचारी हैं वो यहां से खाता बंद कराकर सेंट्रल बैंक उदयपुरा में खाते हम वहां शिफ्ट कराएंगे। लगभग जो आपके साथी मेहरा जी, लगभग कितना पैसा उनका निकाला गया है? उनका सर 1,23,000 रुपये निकल चुका है। क्या लगता है जब आधार लिंक बैंक में करा दिया जाता है उसके बावजूद भी ये सर, क्या उनके पास मैसेज नहीं आया? यही तो सर विडंबना है कि ना मैसेज आया उनके पास, ना उनका ही आधार लिंक है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि दूसरे के आधार से ये पैसे निकल गए? ये बड़ी विडंबना है सर। बैंक की मिली भगत है, बैंक के कर्मचारियों की मिली भगत है और इसमें कहीं ना कहीं बैंक के कर्मचारी दोषी हैं, उनकी मिली भगत से ही पैसा निकल। थाने में रिपोर्ट कर दी है सर और हमने ज्ञापन भी दे दिया है। यदि कार्रवाई नहीं हुई तो? कार्रवाई नहीं हुई तो पूरा उदयपुरा ब्लॉक अध्यक्ष के नाते, मैं अध्यक्ष हूँ उदयपुरा ब्लॉक शिक्षक संघ का, हम सभी लोग हड़ताल पर चले जाएंगे जब तक कि इनका पैसा वापस नहीं होता।